तो अभी मेरे पास एक केस आया जिसको देख करके मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद आई और मुझे लगता है कि सभी को मुझे ये बताना चाहिए। लड़कियों से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ आप इतना ध्यान में रखिए, आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मिलना ठीक है, सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन आप वीडियो कॉल में आप खुद को उतना ही एक्सपोज करो जितना बाद में वो आपके अगेंस्ट में ना यूज़ हो। क्योंकि महीने में मेरे पास 3 से 4 शिकायतें ऐसी आ जाती है जिसमें लड़की का कहना ये रहता है कि उसने ट्रस्ट में वीडियो कॉल किया, और आप ठीक है आपका प्राइवेट कॉल है और जो भी चीज़ें हैं, तो सामने वाले ने उन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बाद में अगर कुछ रीज़न से लड़की बात नहीं कर पा रही है, उसकी फैमिली में पता चल गया, फैमिली वालों ने फ़ोन ले लिया या व्हाटएवर रीज़न से, तो लड़का क्या कर रहा है कि उसका स्क्रीनशॉट उसने जो ले लिया है वो डिफरेंट डिफरेंट या तो फेक आईडी बना के वहाँ पे पोस्ट कर रहा है या उसके रिलेटिव्स को व्हाट्सएप में भेज रहा है। तो लड़कियों से मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ठीक है आप रिलेशनशिप में हो, आप बातचीत करो, सब कुछ ठीक है, बट ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उतना ही खुद को ओपन अप करो जितना आपको बाद में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। क्योंकि या तो फिर आप बाद में जब आप एकदम से श्योर, जब आपकी शादी हो जाए या जो भी चीज़ें हैं, इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप खुद को उतना ही एक्सपोज करें जितना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना। और लड़कों, इट्स अ सीरियस क्राइम, करियर खराब हो जाएगा, मत करो ये चीज़।